तो फ्रेंड सब कुछ बंद है, सैलून भी बंद है, सब कुछ क्लोज है। तो इसको देखिए फ्रेंड, ये मेरे साथ रील देखती है और ये कोई रोएगी होएगी नहीं, यहाँ से कैसे निकल जाऊँ ऐसा सोच रही है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मेरे चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज मेरा बहुत सारा काम है, तो एक्चुअली हम लोग का गाड़ी जो हम लोगों ने रिपेयर करा था लास्ट टाइम, उसका दो चीज़ रिपेयर नहीं हुआ था, और उसका क्लच केबल और एयर फिल्टर, तो वो दोनों करवाना है। उसके बाद मेरा भी बहुत सारा काम है, शेविंग करवाना है, थोड़ा सा बाल कटवाना है, मतलब अजीब लग रहा हूँ, तो बहुत सारा काम है। अभी निकलूँगा और जाऊँगा बाहर, बहुत ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप है ना, एक्सेस धूप है, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन गाड़ी लेके जाऊँगा तो थोड़ा धूप से बचूँगा, लेकिन स्कूटी भी लेके जाना पड़ रहा है कहीं कहीं भी, और सुबह से उठ के मैं इधर उधर काम में बिजी रह रहा हूँ, और सुबह से धूप इतना जोर का धूप दिया हुआ है ना, हालत ख़राब करके रखा हुआ है, एकदम मतलब खतरनाक धूप दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जोर से। और इसको देखिए, इसका एयर फिल्टर समझ में नहीं आ रही, तो खोल के बढ़िया से देख रही है क्या उसको देख रहा क्या है उस पर, इसे क्या होता है बता दो मुझे। हवा नहीं आता है, यहाँ दवा खाती है, यहाँ सोती है, दवा खाती है, यही काम बच गया इसका, ऐसा हाल है। और मैं ठीक हो गया हूँ अभी, लेकिन मेरा फिर भी मेरा सर्दी सर्दी ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं जब बीमार पड़ने वाला हूँ नहीं अब, क्योंकि मैं अपने काम में लग जाता हूँ, फिर मेरा एक्सरसाइज चालू हो जाता है, इसलिए इधर उधर चलना और एक्टिव रहता हूँ, इसलिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता मुझको। तो अभी थोड़ा देर के बाद जाऊँगा और सारा काम खत्म करना पड़ेगा, गाड़ी भी रिपेयर करना पड़ेगा, और थोड़ा सा बाल भी कटाऊँगा और शेविंग भी कराऊँगा, तो जाना पड़ेगा। धूप तो है, लेकिन गाड़ी में जाने से थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन स्कूटी या बाइक लेके जाने से ना फट जा रहा है, लिटरली बता रहा हूँ, एकदम फट जा रहा है वो। देखिए, हे रानी है घर की, कैसे बैठी हुई है, जलने की कोशिश कर रही है, यहाँ से कैसे निकल जाऊँ ऐसा सोच रही है। कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, धूप का जो कंडीशन है ना, हालत ख़राब करने वाला कंडीशन है। कल ऐसे ही मैं मोरान गया, थिलवा गया था ना कल, मैं तो ऐसा ही धूप था, उधर भी हालत ख़राब हो गया था मेरा, फिर से आज भी ऐसा ही धूप है। अभी स्कूटी हटा के गैरेज खोलना पड़ेगा और गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी पहले रिपेयर करवाना पड़ेगा ले जाके, और उसके बाद मैं बाल कटाऊँगा और शेविंग वगैरह कराऊँगा। फाइनली फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ रिमो के लिए, तो पहले गाड़ी रिपेयर कराऊँगा, उसके बाद शेविंग और बाल कटाऊँगा, तो फटाफट से पहले गाड़ी रिपेयर करवा लेते हैं, उसके बाद सारा काम खत्म करके फिर आइएगा। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आके पहुंचा, लेकिन आज एक्चुअली है सैटरडे और सैटरडे को डिमो बंद रहता है, ये सबसे गलत बात हो गया है, तो ये दिक्कत हो गया है। अभी देखता हूँ खुला है कि नहीं, मैकेनिक तो है नहीं, तो उसने बोला आज नहीं हो पाएगा, तो कल गाड़ी फिर लाना पड़ेगा रिपेयर के लिए, और वॉशिंग भी करवाना था गाड़ी का, तो अभी देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे नहीं गया, वहाँ भी देख लेता हूँ जाके, और सैलून भी देख लेता हूँ बंद है कि खुला है, क्योंकि सैटरडे की वजह से बहुत दिक्कत है, तो पहले सैलून देख लेता हूँ अभी जाके कि सैलून खुला है कि नहीं, क्या होता है पता नहीं, देख लेता हूँ सैलून खुला है कि नहीं। अगर सैलून खुला होगा तो फिर बाल वाल कटाएंगे, शेविंग होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा, और फिर कल से आना पड़ेगा, यही हो रहा है मेरे साथ, तो देख लेते हैं सैलून में जाके। तो फिर सब कुछ बंद है, सैलून भी बंद है, सब कुछ क्लोज है, तो बस पापा के लिए तामुल लिया और कुछ सामान लिया घर के लिए, तो अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि सारा कुछ बंद है। तो पानी वॉशिंग सेंटर देख लेता हूँ, अगर वॉशिंग सेंटर खुला होगा तो गाड़ी वॉश कराऊँगा, वरना फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा पानी। चलते हैं वॉशिंग सेंटर में, देख लेते हैं वॉशिंग सेंटर खुला है कि नहीं, अगर वॉशिंग सेंटर खुला होगा तो वॉशिंग सेंटर में गाड़ी खुलाएंगे, वॉश करेंगे, और नहीं खुला होगा तो फिर ऐसे चलना पड़ेगा। मैं वॉशिंग सेंटर जाने वाला था लेकिन नहीं गया, क्योंकि वॉशिंग सेंटर खुला है, मुझे पता है, मैंने फ़ोन किया था, लेकिन वैसे वॉशिंग सेंटर जाके भी क्या होगा वॉश करा के, क्योंकि कल फिर से काम लगवाना ही है, क्लच केबल और एयर फिल्टर लगवाना है, और भी कुछ काम होगा तो दिखाना ही है उनको, तो फिर से वही गंदगी होगा, उससे अच्छा पहले सारा काम खत्म करा ले, उसके बाद ही करेंगे। तो अभी मेरी वाइफ ने कल बोला था कि उसको चना लाने के लिए, लेकिन मैं नहीं लेके गया था, तो मुँह फुलाई थी मेरे से, तो अभी देखता हूँ अगर कोई छोटा दुकान खुला होगा, चना वगैरह मिलेगा, तो उसके लिए ले लूँगा, नहीं तो फिर मुँह फुला के मुझको बोलेगी कि आज भी नहीं ले गया है, तो देखता हूँ कुछ ले लेता हूँ और फिर चलेंगे घर। चना ले लिया मैंने, उसके लिए क्या सबके लिए ले लिया फ्रेंड्स, चना ले लिया मैंने, उसके लिए क्या सबके लिए ही ले लिया, और अब निकल रहा हूँ और चलूँगा सीधे घर, क्योंकि मेरा पता नहीं गाड़ी के साथ क्या पनौती लगा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी दिन मतलब लाना चाहता हूँ तो कोई दूसरा काम आ जाता है, और मतलब ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी करके मतलब गाड़ी का मतलब काम पूरा कंप्लीट हो ही नहीं जाए, ना गाड़ी का काम कंप्लीट हो रहा है, ना वॉशिंग पे दे पा रहा हूँ, मतलब कुछ ना तो कुछ करके कुछ ऐसा काम आ जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है मतलब सडनली कि मैं गाड़ी का मतलब काम करा ही नहीं पा रहा हूँ सही से, तो ऐसा हाल हो चुका है, कुछ नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो कुछ होता रहता है, तो यही दिक्कत है, फिर भी देखते हैं अभी। और एक्चुअली आके पहुँच गया, मनोकामना का पार्सल पार करने का मन नहीं कर रहा है, तो मनोकामना में फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है, तो खा ही लेता हूँ, आ ही आया तो खा ही लेता हूँ, तो फिर गाड़ी घुमा रहा हूँ मैं, और पहले यहाँ मनोकामना में खा लूँगा और उसके बाद चलूँगा घर।
और फ्रेंड्स इधर मेरा फ्राइड राइस आ गया है, फटाफट से खा लेता हूँ और खा के फिर निकलूंगा और चलूंगा घर। तो फ्राइड राइस बहुत टेस्टी होता है यहाँ का, अच्छा लगता है मुझको यहाँ का, मतलब बहुत अच्छा लगता है मनोकमने का फ्राइड राइस, अच्छा लगता है मुझको खा के, तो फटाफट से खा लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने खा लिया और अब निकल रहा हूँ और अब चलूंगा सीधे घर, क्योंकि दूसरा तो कुछ काम नहीं हुआ, बस खाना हुआ और कुछ सामान लेना हुआ, तो मेरा जो इम्पोर्टेंट काम सब था वो सब पेंडिंग ही रह गया, तो फिर से कल आना पड़ेगा और कल आके सारा काम खत्म करना पड़ेगा। और अभी चल रहा सीधे घर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और एसी मतलब गर्म हो गया, गाड़ी हीट हो गया है, तो इस वजह से एसी भी उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा देर के बाद ठंडा हो गया, एसी चला दिया हूँ, ज़्यादा स्पीड भी कर दिया हूँ, तो थोड़ा देर में एसी काम करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। सभी मैं आके पहुंचा हूँ डिमो से, अब इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, मैं क्या बोलूँ, ये पंखा का हवा ना कोई काम का नहीं है, पंखा का हवा से मतलब गर्मी नहीं जा रहा, बहुत तेज़ गर्मी लग रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला गर्मी है सच में, हालत ख़राब हो जा रहा था। अभी आया मैं और थक गया पूरा गर्मी, मतलब पैदल इधर उधर चल के ना और दिमाग ख़राब हो गया, इतना ऐसे धूप आ रहा है जैसे एकदम सिर पर बैठे हुए, सूर्य भगवान ऐसे सिर पर बैठे हुए हैं और वहाँ से ताप छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा हाल है मतलब। और इधर हमारी बीमारी, ये बीमारी बैठी हुई है और अभी तक खाना नहीं खाता था, एक्चुअली सो जाती है ना तो इसको उठने का मन नहीं करता, मैं इस मैं जब गया तब सोई थी और मैं दो घंटा लग गया, दो घंटा जब तीन घंटा लगा, तीन घंटे के बाद मैं आया हूँ तो इसको उठाया हूँ तब जाके खाना खाइए, खाना भी नहीं खा रही अपना मतलब टाइम से खुद से, ऐसा हाल है इसका, अंदर बोलो तो खाना खाइए, बोलो तो दवा खाइए, अजीब हाल है बच्चे की तरह, गजब। देखिए ये मेरे साथ रील देखती है और कोई रोएगी वोएगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, बस रील देखेगी और रील देखेगी तो नहीं रोती है, रील दिखाना पड़ता है, लेकिन इसको मोबाइल में रील दिखाने से बिल्कुल नहीं रोएगी, और अगर रील नहीं दिखाएंगे ना इसको नदे घुमाना पड़ता है, कैमरा देख लिया अभी, कैमरा देख कर लिया और तबीयत अभी ठीक लग रहा है ना, उसका तबीयत अभी ठीक लग रहा है, तो फाइनली थोड़ा सा मुझको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका तबीयत ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं टेंशन फ्री होकर काम भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं एक टेंशन लगा रहता है कि बीमार है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो अभी ठीक हो रहा है ना फाइनली आज बहुत सारा काम किया घर में, तो इसी से बहुत बेहतर हुआ है, पहले तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझको, और देखते हैं और कुछ ला भी दूँगा इसको खाने के लिए, तो वीकनेस भी थोड़ा कम होगा, वीकनेस है बहुत ज़्यादा, वीकनेस है पता है मुझको, पहले से ज़्यादा वीकनेस है और बुखार से ऐसे भी वीकनेस हो जाता है, मेरा भी हो गया था, तो उसके लिए इसको कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा, तो लेके आएंगे, हम दोनों ही जाएंगे कहीं पे, तो लेके आएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं, और आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रोज़ अपनी वीडियो मिलती रहे, और मिलेंगे फिर से कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट। तुम सो रही थी तो खाना नहीं खाओगी, उठ के उठेगा तभी खाएगा ना।